लोकसभा चुनाव को लेकर गौतम बुद्ध नगर में सभी सियासी दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता दिख रहा है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा के लिए चुनावी माहौल सेट करने के लिए महेश शर्मा ने बड़ा दांव चल दिया है और वो खास तरीके से जनता के बीच पहुंचकर जनाधार तलाश रहे हैं ताकि विरोधियों से एक कदम आगे रहकर जीत दर्ज की जा सके। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कौन सी नई रणनीति अपना रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थकों के साथ साथ चुनावी मैदान में महेश शर्मा के पक्ष में जनता को लुभाने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा के करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ महेश शर्मा का पूरा परिवार जनसंपर्क अभियान में जुट गया है। जनसंपर्क अभियान में डॉक्टर महेश शर्मा की पत्नी उमा शर्मा, इनकी बेटी दामाद पूरे दमखम के साथ दिन रात मेहनत करके वोटर्स तक पकड़ बना रहे हैं। परिजन नोएडा शहर को कवर कर रहे हैं जबकि खुद प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ग्रामीण क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क करके प्रचार में लगे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा की पत्नी उमा शर्मा लगातार नोएडा में जगह जगह जाकर महिलाओं से संबंधित सम्मेलनों में हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं को विश्वास दिलाया है कि अगर गौतम बुद्ध नगर में कमल का फूल दोबारा खिलता है तो जो भी स्कूलों, सड़कों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, RWA की समस्याएं हैं, उनका निपटारा किया जाएगा। हम तो परिवार ही की तरह ही जुड़ते हैं उनसे और हमारा परिवार के साथ लेके मैं चलती हूँ सबको, सभी मेरा परिवार मेरे साथ ही रहता है। तो जब भी मैं शुरू से ही इलेक्शन के लिए जब भी जाती हूँ तो मेरे सारे परिवार मेरे साथ चलता है, मेरी सारी देवरानियाँ मेरा साथ देती हैं कदम से कदम। जैसे मैं इशारे से भी अगर बता दूँ कि आना है तो सब आके हाजिर रहती है। तो डॉक्टर साहब का परिवार है, हम सब परिवार है डॉक्टर साहब के, वो भी परिवार है, चाहती तो नहीं जुड़ती। औरों की देखिए, अन्य पार्टियों को देखिए, किसी का परिवार उतरा है नहीं। पिछले वर्ष उतर के मोदी का परिवार कौन है? हम ही सब हैं, मैम हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो हमसे जुड़ी हुई हम सब परिवार हैं। जनसंपर्क में जगह जगह जैसा 2019 के अंदर और 22 के अंदर था उससे कहीं ज्यादा जन समर्थन घर घर जाकर के हमको मिल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी ने फिर से डॉक्टर महेश शर्मा को तीसरी बार टिकट देकर डॉक्टर महेश शर्मा पर अपना भरोसा जताया है, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में सपा की ओर से महेंद्र नागर चुनावी मैदान में है जबकि BSP की ओर से गौतम बुद्ध नगर में राजेंद्र सोलंकी चुनावी मैदान में है। ऐसे में सवाल है कि विरोधी दलों की चुनौती से निपटने के लिए चुनावी मैदान में उतरा डॉक्टर महेश शर्मा का परिवार और उनका चुनाव प्रचार क्या कमाल करके दिखाता है। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ती सियासी हलचल से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको चुनाव के बाद ही मिलेंगे, लेकिन तब तक आप नोएडा से जुड़ी हर खबर से जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल आज का नोएडा के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।